शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आशी को इस घर से निकालने का मिशन शुरू होता है अब। ठीक हो? हाँ, पता नहीं वो कंचे कैसे। हाँ, हाँ? तुमने कुछ कहा? शादी मुबारक हो से। Thanks. ये सब क्या था आशी? क्या हुआ गेट? चल क्या रहा है? हाँ, देखा मैंने, सब देखा। बेवकूफ नहीं हूं मैं आशी, सच क्या है सब नजर आता है मुझे। तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो ना? इतना बड़ा धोखा, इतना गंदा खेल, मेरे जज्बातों का मजाक क्यों उड़ाया आशी? हाँ, क्यों उड़ाया? क्यों आशी? गीत ऐसा, गीत, गीत ऐसा कुछ नहीं है। गीत रुको, गीत हमारी बात सुनो, हमारी बात समझो गीत। हम सच कह रहे हैं, हमारे दिल में सिद्ध के लिए कुछ भी नहीं है। और सिद्ध के दिल में ये देखो गीत, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों में? लैशेस? हो गया काम। सिद्ध के नाम की मेहंदी लगाई थी मैंने कल, और उसी मेहंदी से मुझे एलर्जी हो गई, लेकिन फिर भी मैंने ये मेहंदी नहीं मिटाई। जानती हो क्यों? क्योंकि ये मेरे प्यार के नाम की मेहंदी है। बहुत प्यार करती हूँ मैं सिद्ध से, जानती हूँ सिद्ध के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, उसके लिए तो ये शादी भी बस एक मजबूरी है, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरी मोहब्बत है ना। आई नो वो ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी जान पे उसके नाम का खतरा है। सब समझती हूँ, इनफैक्ट मैं खुद ये सब कुछ सिर्फ तुम दोनों के लिए कर रही हूँ। वरना तुम खुद बताओ, अपनी मोहब्बत को किसी और के प्यार में तड़पता देख के कितना दर्द होता होगा मुझे। सब बर्दाश्त किया, करती आई हूं, बस एक उम्मीद में कि आज नहीं तो कल सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। लेकिन कि प्लीज भालो अपने आप को, उसकी शादी मुझसे होने वाली है, लेकिन मैं अब तक ये नहीं जानती कि वो ये रिश्ता निभाएगा या नहीं, कि वो कभी मुझे प्यार देगा या नहीं, कि वो कभी तुम्हें भूल पाएगा या नहीं। ये सब जानने का हक तो है ना मुझे? हाँ आशी, मुझे एक मैसेज टाइप करना है, लेकिन मुझे राशेस हो रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम प्लीज मेरे लिए एक मैसेज टाइप करोगी? हाँ गी, बोलो। मेरा फोन इधर ही होगा।
कि तुम्हारा फोन तो स्विच ऑफ हो गया है। देखो आशी, मेरी शादी होने वाली है और मुझे शादी से पहले अपने सवालों के जवाब चाहिए। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, इस फोन के भरोसे नहीं रुक सकती मैं। प्लीज प्लीज मेरे लिए लेटर लिख दो। वो नोटपैड और पेन उधर रखा है। अच्छा ठीक है। बोलोगी? हाँ लिखो। सिर्फ मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। और आज मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैं चाहे लाख इनकार कर लूँ कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, लेकिन ये सब कुछ झूठ होगा। सच्चाई तो ये है कि मुझे तुमसे प्यार है, बहुत प्यार है। कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मेरे लिए तुम मेरा सब कुछ हो। मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरा प्यार, मेरे सपने, मेरे अरमान, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम हो। जिंदगी ने मुझे बहुत आंसू दिए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि इन आंखों को जो खुशी दे सकता है वो सिर्फ तुम हो। मुझे अब किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए हो। तुम्हारे साथ चलना है, तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारी पत्नी बनना है। बस ये जानना है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूं, तो बस अपना जवाब दे दो, मुझे इंतजार रहेगा। चलोगी? थैंक यू सो मच आशी, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। अब बस आई होप कि मुझे पता चल जाए कि सिद्ध के दिल में क्या है। थैंक यू सो मच। अच्छा गीत हम चलते हैं। ये जो प्रेम पत्र लिखा है तूने, तुझे पता भी नहीं है कि मेरी शादी की कहानी में ये तेरी बर्बादी की निशानी है। मजा आ गया, मानना पड़ेगा। दुनिया में एक पहला इंसान होगा जिसने खुद की बर्बादी का फरमान खुद अपने हाथों से लिखा है। ये कुर्ता याद है तुम्हें? ये तो झूठ नहीं बोलेगा। ये हमारे कुनाल का कुर्ता। ये वही कुर्ता है जो शादी वाले दिन कुनाल ने अपनी शेरवानी के अंदर पहन रखा था, वही है ये। याद है? नहीं, ये हमारे कुनाल का कुर्ता है। लेकिन कुनाल के कुर्ते से सिद्ध का क्या लेना देना? कुर्ता दिखा देने से सिद्ध कुनाल नहीं बन जाएगा। ए, 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 एक मिनट शर्मा जी। जी शर्मा जी, आपको याद है आपने सगाई वाले दिन हमें एक लॉकेट दिखाया था जो आपको कुनाल के पास से मिला था, जब आपने उसे गोद लिया था। हाँ। वो लॉकेट है आपके पास? हाँ जी। दिखाइए। इसको तो पहचानती हूँ, ये वही लॉकेट है ना जो हमने कुनाल के लिए बनवाया था और बचपन में हमने उसके गले में डाला था। और ये शर्मा जी को कुनाल के गले में मिला था तब जब उन्होंने कुनाल को गोद लिया था एक आश्रम से। ये उसके गले में था। जब शर्मा जी ने हमें बताया ना कि ये उन्हें कुणाल के गले में मिला था, पहले तो हमें बात समझ में नहीं आई कि सिद्ध के पास ये कुणाल का लॉकेट कहाँ से आ गया। हमें थोड़ा सा शक भी हुआ, तब हमने पता करने की कोशिश की। फिर हम उस सुनार के पास गए जिस सुनार से हमने ये लॉकेट बनवाया था।
मुझे पहचाना थी। चौधरी की आंखें इतनी कमजोर कैसे हो गईं काका? उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों का नंबर भी बढ़ जाता है अमित बाबू। दिन सुनार से पूछा कि याद है उसने एक लॉकेट बनाया था, तब उस सुनार ने हमें बताया कि उसने उसने उस वक्त सिर्फ एक एक एक, एक ही लॉकेट बनाया था। उसने ऐसे डिजाइन का दूसरा और कोई लॉकेट नहीं बनाया था, सिर्फ एक ही लॉकेट था जो जो हमारे सिद्ध का था। ये वही लॉकेट है, ये हमारे सिद्ध का लॉकेट है। फिर उसके बाद हमने हमने शर्मा जी से पूछा, शर्मा जी वो कौन सा आश्रम था जहां से आप सिद्ध को गोद लेकर आए थे? उन्होंने हमें वो पता दिया। हम वहां उस आश्रम भी गए, लेकिन वो आश्रम वहां से शिफ्ट हो चुका था। कई साल पहले यहाँ पर नवजीवन परिवार का दफ्तर हुआ करता था, अभी दिखाई नहीं दे रहा कहीं। कैसे दिखेगा भाई साहब, वो तो यहाँ से 4-5 साल पहले शिफ्ट हो गए। फिर हमने कहाँ नहीं ढूंढा, हमने बहुत कोशिश की और बड़ी मुश्किल से जाके हमें उस आश्रम का एक दफ्तर मिला। हम वहां गए, वहां हमें एक आदमी मिला, तो हमने उसे दिखाया सब कुछ, उसे पूछा, तो उसने जो कुछ भी हमें वहां बताया ना, हमारी तो जिंदगी की तकदीर ही बदल गई। हमें हमारा खोया हुआ बेटा, हमें खोया हुआ बेटा मिल गया था। ये फोटो किस बच्चे की आप बता सकते हैं क्या? शर्मा जी ये फोटो इस फाइल में? ये बच्चा यहाँ आया था, लेकिन जब ये हमें मिला था तो कोमा में था। 1.5 साल बेचारा कोमा में ही रहा। फिर क्या, हमने इसे अपने पास ही रख लिया अपने आश्रम में। बहुत अच्छे से इसका पालन पोषण किया, बहुत अच्छा ख्याल रखा था हमने इसका। फिर जब एक दिन इसे होश आया तो हमें पता लगा इसकी याददाश्त चली गई थी, उसे कुछ भी याद नहीं था, पानी में जो बह गया था बेचारा। हमने बहुत उससे जानना चाहा कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसका परिवार कौन है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। इसके गले में एक लॉकेट था। अब आप बता सकते हैं ये बच्चा कहाँ है? जी बिल्कुल। और अमृता, विधि का विधान देखो, उस आश्रम वाले ने जो हमें पता बताया ना, जिसने उस बच्चे को गोद लिया था, वो पता जानते हो किसका था? पता था शर्मा जी का। शर्मा जी उस बच्चे को आश्रम से गोद लेकर आए थे और उन्होंने ही कुणाल को सिद्ध का नाम दिया। अमृता, तुम हमेशा कहती थी ना कि तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारा बेटा वापस आएगा, आज तुम्हारा भरोसा जीत गया, तुम जीत गई, तुम्हारा विश्वास जीत गया। हमारा कुंडल हमारे सामने है। थे ना तुम, माँ कहते नहीं सकते, और आज तुम हमारे सामने हो और हम क्यों दूर चले गए थे हमसे? इतनी दूर क्यों गए थे कुनाल? क्यों गए थे? पहले क्यों नहीं आए हमारे पास? पहले क्यों नहीं आए? तुमने अब तक नहीं पहचाना हमें? हम माँ है तुम्हारी, एक बार मां।